सबसे पहले अर्चना जी सामने देखिए, अर्चना जी जी थैंक यू सो मच। जैसे कि होता है जब इंसान किसी चीज़ में कदम रखता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको थोड़ा धीरे धीरे ना ग्रो करना चाहिए, तो अभी फ़िलहाल मैं ग्रो कर रही हूँ अपने आप को। मैं ट्यूशन्स ले रही हूँ इंग्लिश के और बुक्स पढ़ती हूँ और थोड़ा अपने आप को थोड़ा क्लासी बनाने के लिए नए नए आउटफिट्स, नया नया मेकअप, ये सब चीज़ें मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस भी बन पाऊँ, तो बस उसी के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ। जी जी मुझे ऐसा लगता है कि आपके दिल में जो चीज़ है ना बोल दो, मतलब वो अंदर रख के ना आप घुटने से तो अच्छा है कि, इसलिए ना मैं मुंह फट रहती हूँ, इसलिए मैंने खतरों के खिलाड़ी में भी जो दिल में आया वो बोल दिया। बाकी लोगों ने बोला भी, कभी कभी इतना ब्लंट भी होना अच्छा नहीं है, किसी को हर्ट हो सकता है, तो फिर मैंने उस चीज़ के बारे में सोचा। तो अभी क्या है कि जो मतलब दिल में आता है बोल देती हूँ, बट ऑफ कोर्स मतलब जो मुद्दा रहता है वही बोलती हूँ, मतलब उल्टा नहीं बोलती हूँ किसी को। अच्छी बात है। आपकी सबसे जी अच्छी दोस्ती किसके साथ रही है? हमने देखा ऐश्वर्या आपको बहुत अच्छी से करती है। जी 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 वो एक दोस्त हमें नजर आ रही है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट किसके साथ अच्छी दोस्ती है? एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोगों की दो फ्लाइटें थी, एक में मैं नायरा और ऐश्वर्या थे और भी डेजी वेजी डेजी और भी बहुत सारे शहजान ये सब लोग थे। पहली वाली फ्लाइट में बहुत सारे लोग थे, तो मेरे साथ जो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग बनी वो ऐश्वर्या की बनी, फिर उसके बाद नायरा के साथ बनी, फिर हम लोग लास्ट तक जो सबसे बेस्ट फ्रेंड थे ना, सबसे ज़्यादा जो मतलब कभी अलग ही नहीं हुए वैनिटी में एक साथ, वो दो लोग थे ऐश्वर्या और नायरा। तो हम तीनों का बॉन्डिंग जो बना है ना उसे तीन त्रिमूर्ति भी बोला गया था, तो हम लोगों का मतलब ऐसा बॉन्ड बना है। चलो माना जा रहा है फाइनल तक जी, पे आपका जी, नाम है जी, इस पे कितनी सच्चाई है? वो तो आपको खतरों के खिलाड़ी देख के पता चलेगा, बट ये है कि जो जनता ने सोचा था मैंने उनको डीमोटिवेट नहीं किया, मैंने अपने फैंस को डीमोटिवेट नहीं किया, मैंने बहुत अच्छे से स्टंट किए हैं, कोशिश की है करने की, तो वो आपको खतरों के खिलाड़ी देखने को मिलेगा। अर्चना आप जब बिग बॉस में जा रही हैं जी, उस भी अगर आपका ग्राफ देखा जाए कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप एक और रियलिटी शो करेंगी आफ्टर बिग बॉस, वो कैसी फीलिंग थी जब आपको ऑफर हुआ था खतरों के खिलाड़ी और अब आ चुकी है वहाँ? जी एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मैं जाऊंगी, बस था कि पता नहीं जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, 50-50 था, बट जब मुझे ऑफ़र आया खतरों के खिलाड़ी का तो मुझे ना टेंशन सबसे पहले ये हुई कि पानी ठंडा है और सर्दी है, 5 डिग्री टेम्परेचर है, मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, और छिपकली है उससे मैं मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फोबिया है, भगवान का टच वुड कि पूरे स्टंट में मुझे छिपकली नहीं मिली, ये बहुत अच्छी बात हो गई। और दूसरी चीज़ ठंडे पानी, वो तो ऑफ कोर्स हर किसी को डर लगा ठंडे पानी, क्योंकि 5 डिग्री टेम्परेचर है और ऊपर से नदी में जाना है ठंडे पानी में, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। थैंक यू अर्चना। अब यहाँ पे अर्चना आप एज इज जस्ट अ नंबर बार बोल दिया उन्होंने, एज इज डजंट मैटर, डजंट ना मैटर। एक्चुअली इंग्लिश इसलिए क्योंकि मैं जब केप टाउन में गई थी ना तो मुझे सारे फॉरेनर्स मिले, वो लोग इंग्लिश में बात करते थे, क्रू मेंबर इंग्लिश में बात करते थे, तो मुझे ना प्रॉब्लम होती थी कि मैं क्या करूँ, तो मुझे लगता है कि बाहर विदेश में जाने के लिए इंग्लिश इज कंपलसरी, तो इसलिए मुझे लगता है कि मुझे इंग्लिश सीख लेनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। अच्छा अच्छा बस 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 बस।